आप में से शीर्षासन कितने बच्चे कर लेते हैं? सभी के सभी, तो बहुत अच्छे बच्चे। और आप में से कितने बच्चे कर लेते हैं शीर्षासन? क्या नाम है आपके टीचर? इकबाल सर। हाथ नीचे कर लीजिए। इकबाल जी ने तो भाई सबको शीर्षासन सिखा दिया, इनको अभी बुलाया था ऊपर, वही ना, है ना? कहाँ इकबाल जी? इकबाल जी ने तो सबको सिखा दिया। हाँ, आप सब भी ऐसे ही सीख लेना आज, और फिर ये पहले दीवार के साथ करना होगा, ठीक है? तो दो बच्चे तो मेरे साथ करेंगे, बारी बारी से बुलाते हैं। अब होड़ लगी हुई है इसमें, किसको बुलाएं? पहले दो को बुलाते हैं, तो उनको दो को तो सुबह बुला लिया था। इधर आओ, आप आओ। हाँ, और आप भी आओ, इधर आओ, बैठ, इधर बैठ जाओ। मेरे साथ साथ करना होगा, आप भी सीख लीजिए, ठीक है? और शीर्षासन बच्चों को शुरू में दीवार के साथ करना चाहिए, ठीक है? आप सभी कीजिए मेरे साथ साथ, आप भी करो। शुरू में दीवार के साथ करना, कोई सहारा दे सकता है? हाथ ऐसे रखते हैं, फिर माथा ऐसा रख करके, और फिर ऐसे उठा देते हैं। सुबह खाली पेट करना होगा, ये ऐसे करो बेटा, ये फिर इसी में पद्मासन भी लगा सकते हैं, इसको शीर्ष पद्मासन कहते हैं। ये बहुत अच्छा किया बच्चों ने, ऐसा फिर नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। क्या बात है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अरे आप भी तो करो, आप तो देख ही रहे थे। बच्चों करके देखो, गिर जाओगे तो कोई बात नहीं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बार कोशिश करो कुछ करते करते, और लुढ़क जाएंगे तो कोई बात नहीं। सामने वाले बच्चों ने बहुत अच्छा किया, पीछे वाले भी कोशिश तो करो, कोई लुढ़क जाएगा तब भी कोई बात नहीं, लुढ़क रहे हैं तो अच्छा ही है ना, है? कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। इतने बच्चों का ये पहली बार अंडमान में ऐतिहासिक शानदार यादगार अभूतपूर्व शिविर हो रहा है, इसके लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। इतने बच्चे एक साथ आए हैं, सब योगी बनेंगे। अरे कुछ ने तो कर दिया। ये हो गया शीर्षासन। क्या नाम है आसन का? नाम बोलिए सभी बच्चे। जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग कैसा होगा? तेज, शार्प ब्रेन होगा, आंखों पर चश्मा, और कभी सिर के बाल नहीं झड़ेंगे, नहीं तो हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, बहुतों की खेती उजड़ गई है। जो योग करेंगे उनकी सिर की खेती नहीं उजड़ेगी, और आंखों पर चश्मा, और ब्रेन कैसा हो जाएगा? शार्प, बॉडी हेल्दी। मैंने बोला था ना तीन चीजें, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत। ये तीनों चीजें किससे मिलेंगी? योग से। किससे मिलेंगी तीनों चीजें? तो एक तो शीर्षासन करना है, फिर पैर सामने खोल लीजिए। अब ये बच्चों वाला सब योग चल रहा है, सब बच्चों को करना है रोज, अभी सब कर पाएंगे, अभी ज्यादा कठिन नहीं है। अभी क्या करेंगे? सब लेट करके और सर्वांगासन करेंगे। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हाइट तभी बढ़ेगी जब पीछूटी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अच्छा होगा। और फिर देखो, पहले सिर को के पीछे रह गए पैर, फिर कमर को उठा दिया, कमर के पीछे हाथ लग गए और पैर सीधे। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, करो नीचे वाले भी करो सब। फिर वापस, तो बहुत अच्छा किया सभी ने। ए सब बच्चों करो, फिर से करो एक बार, चलो बेटा फिर से करके दिखाओ, करो। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे ये तो करीब करीब 90% बच्चों ने कर लिया है। यह है सर्वांगासन, इससे पीच्यूटरी ग्लैंड, इससे ब्रेन, इससे थायराइड ग्लैंड, इससे पीनियल ग्लैंड, इससे पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है। यह सर्वांगासन। क्या नाम है इसका? बोलिए।
पांच साल के बच्चे आराम से कर सकते हैं, तीन साल का बच्चा प्राणायाम और पांच साल का बच्चा सब आसन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। वापस ये हो गया सर्वांगासन। अब पैरों को सिर के पीछे टिका देंगे तो ये हो गया हलासन। करो करो, वापस नहीं आएंगे, रुक जाओ इसी स्थिति मेरे को। रुको रुको, सर्वांगासन बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे, मंच वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीचे वाले भी कोशिश तो कर ही रहे हैं सभी। ये सर्वांगासन के बाद हलासन हो गया है। अब चक्रासन, पहले लेट के करेंगे बाद में खड़े होके कराएंगे, पहले लेट के पैर मोड़ के और ऐसे भी इसे उठाओ ऐसे। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे पैर के पास हाथ आ जाते हैं, छोड़ दीजिए। ये हो गया चक्रासन। क्या नाम है इसका, आसन का नाम बोलिए बच्चों, चक्रासन। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के कितने बच्चे अच्छे करते हैं, करके दिखाओ करो। हाँ भाई बहुत अच्छा किया, करो। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार देखो, ऐसे ही करना है सब बच्चों को, करके दिखाओ एक बार सब, फिर से करो बेटा सब, थोड़ा हाँ पोजीशन बनाओ। देखो ऐसे 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 साइड से ऐसे झुक के दिखाओ ऐसे, हाँ करो ये करो सबके सब करो ऐसे, ये बात ऐसे, क्या बात है, करो करो करो। इसने तो पूरा ही झुक गई पीछे से, यही सिर लगा दिया। हाँ ऐसे बच्चे आराम से कर लेते हैं। चलिए ऐसे करना है, वापस आओ क्या ऐसे। हाँ तो ये हो गया चक्रासन, ठीक है। फिर आगे खड़े होकर के झुक जाते हैं ना, और माथा घुटनों से लगाते हैं तो पादहस्तासन, और बैठ करके करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन हो जाता है। ये भी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी है बच्चों के लिए। बहुत सुंदर किया, झुके रहो माथा घुटनों से लग जाता, पूरा पूरी बॉडी एकदम फ्लैट है, बहुत सुंदर। फिर वापस हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। ये पांच आसन सब बच्चों के लिए जरूरी है, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पादहस्तासन, और सबसे पहले क्या कराया था, जोर से बोलिए। ये कितने आसन हो गए, पांच आसन करने में एक एक मिनट लगेगा, एक एक मिनट पांच आसन किए तो कितना समय लगा, तो पांच मिनट जो योग कर लेगा वो कभी जीवन में रोगी नहीं होगा, उसको कभी भी कोई बीमारी कितनी अच्छी बात है ना। ये तो किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को गैस, आजकल तो बच्चों को भी गैस बनने लग गई, ऊपर से भी छोड़ते हैं कुछ तो नीचे से भी पटाखे छोड़ते रहते हैं। जो योग करेंगे उनको कोई पेट की बीमारी नहीं होगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, कभी डॉक्टर के पास जाना, कभी कोई गोली खानी, हाँ मैं कभी कोई गोली नहीं खाता, जब मैं गोली नहीं खाता तो आप भी जो योग करेंगे उनको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं। ये पांच आसन बताए अभी, तो अब पांच और आसन बताए करेंगे सब। चलिए दाहिने पैर में बाया पैर फंसाओ, गरुड़ आसन, और बाया हाथ में दाहिना हाथ, करो बच्चों। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। फिर अब दूसरी तरफ से करेंगे, इससे दो काम होंगे, एक तो बॉडी का बैलेंस बनेगा, दूसरा ब्रेन का। बॉडी और ब्रेन का बैलेंस होना चाहिए कि नहीं,
होना चाहिए तो इससे होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, फिर पढ़ते हैं तो कई बार जल्दी याद नहीं होता ना, तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, जो पढ़ेंगे जल्दी याद हो जाएगा, और याद क्या हुआ आप भूलेंगे, कितनी अच्छी बात है। अगला देखो, ये तो ऐसे किया था, फिर अब दूसरे पैर में फंसा दो ऐसे, ये हो गया गरुड़ासन। क्या हुआ बोलिए, गरुड़ासन भूलेंगे नहीं ना बच्चे नहीं। हाँ देखो, किसी किसी बच्चे के ना ऐसे पैर करके खड़े हो तो किसी किसी बच्चे के पैर मिलते हैं ना, तो जो गरुड़ासन करेंगे उनके पैर फिर घुटने से मिलेंगे, ये फिटनेस के लिए जरूरी होता है। खड़े होने के बाद खड़े होके देखिए एड़िया मिलाइए तो बहुत बच्चों के घुटने मिल रहे हैं ना, ये घुटने मिलेंगे नहीं, मेरे भी बचपन में मिलते थे, मैंने योग किया तो देखो मेरे मिलने बंद हो गए, देख रहे हो ना ऐसे हाँ? ये गरुड़ासन और पद्मासन करने से घुटने अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे नहीं मिलते, देखो पहले ऐसे मिल जाते हैं और बुढ़ापे में फिर ऐसे फैल जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये गरुड़ासन के बाद अब अगला आसन बहुत अच्छा है, रोज करना वृक्षासन। क्या करेंगे, अब बाएं पैर को उठाइए, दाहिने पैर से ऐसे लगा दीजिए, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, फिर दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे, बहुत अच्छे बच्चे सब कीजिए, कोई गिरेगा नहीं, तो बहुत अच्छे बच्चे सबने कर दिया, 99% रिजल्ट आ रहा है। हमारे मीडिया वाले भाइयों फोटो खींच लो, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये, हमारे मीडिया वाले भाई भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इस पूरे शिविर को, उन्होंने जबरदस्त समर्थन दिया है। रुको रुको, नीचे मत आओ, हिलो डुलो नहीं, कुछ तो ऐसे ही नृत्य कर रहे हैं, गिर गया, ऐसा नहीं गिरना, चलो दूसरी ओर से रिलैक्स, दूसरे पैर से, अब दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर से लगाइए ऐसे, और ऐसे करो करो बेटा, सब करो, एक आसन को आधा से एक मिनट करना है कम से कम, ऐसे हाथ नीचे, तो दो आसन बता दिया आपको, अभी पांच के बाद अब सात आसन हो गए, गरुड़ासन और वृक्षासन। अब बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए और अच्छा आसन है, दोनों पैर पास में, ताड़ासन, दोनों आसन के ऊपर पैर पास में, श्वास अंदर भरते हैं, हाथ ऊपर उठेंगे, ये तो बच्चे बड़े सभी कर लेंगे, जो बड़े वाले करेंगे उनकी हाइट घटेगी नहीं, नहीं तो बड़े बड़ी उम्र में ना ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हाइट घटती भी है। हाँ, तो जो करेंगे उनकी हाइट बढ़ेगी बच्चों की, और जो बड़े करेंगे वो उनको उनकी बॉडी फिट रहेगी। श्वास अंदर हाथ ऊपर उठेंगे, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, पंजों पर शरीर का वजन ऊपर की तरफ, हथेलियां, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिर नीचे ऐसे, एक आसन को कितनी देर करना है, कम से कम आधा से एक मिनट, धीरे धीरे दो मिनट भी कर सकते हैं। फिर से श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे, थोड़ी देर रुका करो बेटा। तो इस आसन का नाम क्या बोलिए, जोर से बोलो,
ताड़ासन, ताड़ का जैसे पेड़ होता है ना, ऐसे सीधे खड़े हो गए। फिर पैर को खोल लीजिए, हाथ ऊपर तने हुए। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सब राइट साइड में झुकेंगे, किधर झुकेंगे? आपकी राइट किधर है? अरे हमारी राइट किधर है? तो चलो राइट साइड में झुकेंगे। ए अपनी राइट साइड में झुको, अपनी अपनी राइट साइड में, ऐसे साइड में पूरा पूरा पूरा। फिर वापस, ये तो 100% अच्छा किया सबने। फिर से दूसरी तरफ से, ये वापस। श्वास भर के करो, कौनिया सीधी, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से, फिर वापस, हाथ नीचे। ये हो गया तिर्या ताड़ासन। क्या हो गया इसका नाम? अब त्रिकोणासन करते हैं। ये दाहिना हाथ उठाओ, राइट हैंड, राइट हैंड ऊपर रेज कीजिए, लेफ्ट साइड में ऐसे बैंड हो जाइए। नीचे वाला हाथ घुटने के पास, धीरे धीरे टखने के पास, ऊपर 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 और ऊपर, ऐसे पूरा ऊपर वाले हाथ की हथेली ना नीचे की ओर हो जाओ, वापस आ जाओ। ऊपर वाले हाथ की हथेली ऐसे नीचे की ओर हो जाएगी। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास, ऐसे सामने देखो। ये साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना। फिर वापस, इससे साइड की स्ट्रेचिंग होगी ना। तो आपको पतली कमर चाहिए कि मोटी? पतली कमर रहेगी, अभी तो पतली है, बाद में भी मोटी नहीं, ऐसे पतली रहनी चाहिए कमर। हाँ, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, भुजाएं मजबूत होनी चाहिए। हाँ ऐसा, ठीक है ना। तो आपको अभी ये आसन करवाएं, भूलना मत। फिर अब कितने आसन हो गए? शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पादहस्तासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ठीक है। कितने हो गए? 10। 10 आसन हो गए। ये इतने आसन तो 10 जरूर करना। 2 आसन बैठ के बताते हैं, बैठ जाओ। बैठ के ये तो बटरफ्लाई है, ये तो आसन करने की तैयारी है। योग अब आसन करना है सबको, सब करो। बटरफ्लाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं सब। तो ये देखो, अब इसमें बैठ के 2 आसन जरूर कर लेना। अब बच्चों के लिए मिनिमम पोस्चर्स बता रहे हैं, ठीक है। इतने आसन सबको करने हैं, भूलना मत। दाहिना पैर बाएं पर रख दो, बाया दाहिने पर रख दिया तो ये हो गया। जोर से बोलिए, ये तो अंडमान निकोबार के तो सब बच्चे पहले से योगी है। ये हो गया, बोलिए पद्मासन। पद्मासन में बैठने से 100 साल तक तो घुटने अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, इससे हार्ट बहुत पावरफुल हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हो गया पद्मासन। सब बच्चे ये बोलेंगे, क्या नाम है इसका? अच्छा बच्चे तो और भी तो कर सकते हैं, इसमें पीछे से पकड़ लो, पीछे से ऐसे पकड़ लिया। बद्ध पद्मासन पकड़ो, छोटे बच्चों ने भी पकड़ लिया और दाढ़ी वाले बच्चे ने भी पकड़ लिया। देखो ये बद्ध पद्मासन, तो इससे हाथ भी तो स्ट्रांग हो जाएंगे ना। बात समझ में आई? तो ये पद्मासन भी कर सकते हैं बच्चे, बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं।
ये सरल सरल बता रहे हैं। अब जैसे मैं मयूरासन बताऊंगा, आता है मयूरासन, करो मयूरासन और मयूरी आसन, इसमें तो मयूरी आसन हो जाएगा, करो ये तो सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, ट्रेंड है एकदम, बहुत अच्छा किया है सभी ने, ये बच्चे कर सकते हैं ना, बैलेंस बन जाता बॉडी का। हाँ पैर खोल लीजिए, ऐसे तो बहुत आसन है, लेकिन आज जरूरी जरूरी आसन बता रहे हैं, जितने याद रख सको, एक दिन में ज्यादा सिखा देंगे तो याद नहीं रख पाओगे ना। एड़िया बाहर पंजे अंदर, ये हो गया वज्रासन। क्या नाम है बच्चों, बोलो इसका? वज्रासन। जो वज्रासन करेगा उसका पेट कभी खराब नहीं होगा। तो ये वज्रासन सबको करना है, खाने के बाद इसको कर लिया करो, है ना। तो इतने आसन तो बहुत हैं, अब कुछ खास अभ्यास बताते बच्चों के लिए, ठीक। फिर प्राणायाम सिखाएंगे आपको, खान पान के बारे में बताएंगे, सूर्य नमस्कार। सबको फिजिकल फिटनेस चाहिए ना, सबको बहुत स्ट्रांग बनना है ना, तो चलो स्ट्रांग बनने के लिए सभी खड़े हो जाओ, बोल भारत माता की। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है, कितने अभ्यास है सूर्य नमस्कार के? 12 अभ्यास, ये रोज करने, ठीक है, छोटों को भी करने और बड़ों को भी करने, किसी की मम्मी मोटी हो ना तो उसको भी योग करवा देना, किसी के पापा मोटे हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, घुटने दुख रहे हो, उनको सबको भी प्राणायाम बताएंगे सब, उनको कल शिविर में भेज देना, कल सुबह भी शिविर होगा, कल शाम को केवल माताओं के लिए शिविर है, जैसे आज बच्चों के लिए शिविर है ना, ऐसे सबको योगी बनाना है, जो योग करेगा उसको कोई रोग और 100 साल जिएंगे और 1 रुपए भी बीमारी में पैसा खर्च। चलो दोनों पैर पास में, 12 अभ्यास करने, पहले धीरे धीरे करेंगे और बाद में फास्ट भी करेंगे, ठीक है। तो श्वास अंदर भर के, 1 2 पीछे, क्या बात है, 3 आगे झुक जाओ, आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, झुको झुको, सभी झुको बच्चों, फिर अब दाहिना पैर यहीं रखो, बाएं पैर पीछे ले जाओ, पहले राइट साइड से करते हैं फिर लेफ्ट साइड से कर लेंगे, बारी बारी से, ऐसे पीछे झुको, क्या बात है, बच्चे तो पूरा ही झुक जाते हैं। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे ले जाओ, ऐसे ऐसे पैर, ये भी पीछे ले, फिर आगे झुक जाओ, ऐसे फिर सामने से उठ जाओ, सब बच्चे करो ऐसे, पीछे झुको 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 झुको, ए कुछ तो झुक करके पीछे सिर ही लगा देते हैं, फिर अभी से उठो, अभी से उठो, हाँ ऐसे, अब दूसरा पैर आगे लाओ, पहले दाएं पैर आगे था तो फिर हाँ बाएं, चले ठीक है, ऐसे झुको झुको पीछे, यस, फिर पीछे वाला पैर भी आगे ले आओ, और फिर श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, ऐसे फिर ऐसे, कितना अच्छा है ना, इससे हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरी बॉडी का पूरा व्यायाम हो जाता है ना। देखो अलग इधर, करो ऐसे ही करना है सबको, जैसे देख करके ना, जैसे कर रहे हैं, 1 2 पीछे, 3 आगे, 4, एक पैर पर बैठो, हाँ यस, ऐसे पीछे झुक जाते हैं, बच्चों की तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना, क्या बात है,
फिर बाप ये दाहिना पैर भी पीछे ले जाओ, फिर आगे झुक जाओ, साष्टांग आसन। यस, इसमें पेट थोड़ा ऊपर होता है, छाती थोड़ी जमीन पर, ऐसे। फिर सामने से उठा दो, सामने से उठा दो, सामने से पूरा। यस, और पीछे झुक करके है, ये तो बच्चों ने तो पीछे ही सिर ही लगा दिया है। फिर अब बीच से उठा दो, सात के बाद ही आठवां अभ्यास, घुटने सीधे, पंजे पीछे टिके हुए जमीन पर। फिर अब एक पैर आगे लाइए, एक पैर आगे, हाँ, और पीछे झुक जाते हैं ऐसे पूरा। फिर ये पैर भी आगे ले आइए, पीछे वाला भी आगे झुक जाइए, माथा घुटनों से लगाइए। फिर श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में, ये, और दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हो गया सूर्य नमस्कार। क्या नाम है इसका बोलिए? सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो कभी जिंदगी में कमजोर नहीं होंगे। कितना अच्छा है ना। चलो अब बैठ जाओ, ये सबके लिए जरूरी है, इतना तो सब कर सकते हैं ना बच्चों। तो चलो अब इसके आगे स्ट्रॉन्ग वाली एक्सरसाइज है, वो थोड़ी उम्र होने के बाद करते हैं, 12-13 साल की उम्र के बाद, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा आपको ताकत लगेगी। तो बड़ी उम्र वाली भी बता दे, यहां 12 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने बच्चे हैं? ये तो काफी बच्चे हैं, नीचे कर लो। तो जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं करेंगे, हाँ, जो बड़ी उम्र वाले हैं, 7-8 के, 7 के बाद वाले, एक एक दो दो बार तो सभी कर सकते हैं, ठीक है, तो एक एक दो दो बार करवा देते हैं, ठीक। तो चलो ऐसे बैठो, अभी तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। आता है इसको? सब दंड बैठक करते हो सब? क्या बात है। तो सुनो, अब ये बड़े बच्चों वाला अभ्यास शुरू हो गया है, ठीक है। जो ये करेंगे उन बच्चों की बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो सुनो कैसे करना, संख्या के साथ कराते, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, एक दो तीन, रिलैक्स। एक हुआ, ये साधारण दंड है। क्या नाम है इसका बोलो? देखो, बॉडी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो दो सिंपल फार्मूले हैं, अच्छी एक्सरसाइज करो और हेल्दी फूड खाओ, बस दो चीजें। अच्छी एक्सरसाइज करने से बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी, खाना तो चाहिए ही फिर बॉडी के लिए, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज हुई, अब दूसरी, ये साधारण दंड। अब राम मूर्ति दंड, पैर पीछे, एक नीचे, दो ऊपर, सब बच्चे करो पीछे वाले भी, तीन वापस, नीचे नीचे नीचे, चार नीचे नीचे से वापस, नीचे गए और ऐसे वापस आ गए नीचे नीचे, रिलैक्स। वापस आने में जोर पड़ रहा था ना, दो हो गए। अब तीसरा, चोड़ी चोड़ी बुझाई चाहिए ना सबको, स्ट्रॉन्ग ऐसे हाथ रखो और ऐसे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ये थोड़ा मजबूत है काम, युवक विकास तक दंड। अब अगला अभ्यास वृश्चिक दंड। क्या नाम है बोलो? उससे पहले हनुमान दंड कराते हैं। हनुमान जी कितने बलवान है ना, फिजिकल फिटनेस के सबसे बड़े आइडियल हैं हनुमान जी, और ऐसी मान्यता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं ना, तो कहते हैं अंडमान कभी हनुमान द्वीप समूह था, हनुमान जी का संबंध बताते हैं। चलो जो भी है, लेकिन हनुमान जी तो हमारे रोल मॉडल आइकॉन तो है ही। बोले बजरंग बली की, तो चलो आपको बजरंग बली बनाते हैं, हनुमान जी भीम जी की तरह आप एकदम मजबूत बनेंगे। पैर पीछे, एक पैर आगे आएगा, एक पैर दाहिना पैर आगे आया, आगे झुक गए और ऊपर उठ गए, ये तो सब बच्चे बड़े बलवान हैं। फिर वापस आ गए, फिर दूसरे पैर से, एक दो ऊपर,
तीन वापस, एक दो बार कर लेना सब, दो तीन, एक दो तीन, रिलैक्स। दो दो बार तो सब कर सकते हैं। अब वृश्चिक दंड, ठीक है? तो चलो पैर पीछे से उठेंगे। जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना, वैसे याद भी रखना, भूल जाओ तो आस्था चैनल देख लेते हो ना, उसपे सब सिखाते रहते हैं, ठीक है ना? तो पैर पीछे जाएंगे, पैर एक पैर पीछे से उठेगा, आगे झुक जाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, रिलैक्स। अब ज्यादा नहीं करेंगे ना, थक जाएंगे नहीं तो आप। तो ये अभी तो पांच ही है, छठा इसका वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास। पैर पीछे, पैर उठाएंगे अपोजिट साइड में, ये लेके जाएंगे फिर ऐसे, यस यस यस, फिर उठे, फिर वापस। बहुत अच्छा किया सभी बच्चों ने, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आ गए और वापस। तो सभी ने कर दिया। अंडमान निकोबार के बच्चे बड़े स्ट्रांग हैं। अब पैर नीचे से आएगा, इसका नाम है पार्श्व दंड। क्या नाम है बोलो? ये 12 अभ्यास है, जैसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है ना, इसके 12 अभ्यास बड़े स्ट्रांग है। ये पैर पीछे, एक पैर दाहिना पैर ले उठाएंगे और बाईं तरफ ले जाएंगे, एक आगे झुक जाओ, सामने सामने देखो, दो, क्या बात है भाई, सब बच्चे बड़े स्ट्रांग है, तीन, एक, ऐसे करो करो, जगह कम पड़ गई, दो तीन, ऐसे 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 ले आते हैं पैर, है ना, यस ऐसे, ऐसे। फिर उठ जाते, लड़कियां भी बड़ी स्ट्रांग है हमारी बेटियां, ऐसे और रिलैक्स। अब वाला आगे और कठिन है, अब दो ही कर पाएंगे, थोड़ा एक करो पहले, थोड़ा पीछे जाओ बेटा, ये ऐसे होगा जी, इसका जी, नाम है जी, करेंगे जी, चक्रदंड जी, अच्छा चलो करके दिखा, यस। अरे नहीं ऐसे नहीं, नीचे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं पूरा, कैसे देखो, थोड़े पीछे हो जाओ, ऐसे, यस, ऐसे कौन करेगा, ये करेगा, करो आप कर, इधर, हाँ, ये तो कर दिया, जोरदार तालियां बजाओ मेरी बेटी के लिए, बस 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 बस, ज्यादा हो जाएगा, और कौन करेगा, आप ही करो, करके दिखाओ, क्या बात है, अरे ये तो बड़े होशियार है, ये एक ही बार में सीख गई है तो, बस बस बेटू बस, और ये भी करो, ऐसे चलो, ये चक्रदंड हो गया। कठिन है ये, बच्चे बड़े होशियार है, एक बार में आ गया। क्या नाम है आपका? प्रिया और शक्ति, शक्ति में भी बड़ी शक्ति है, बड़ी स्ट्रांग बेटी है। और अब वो इससे भी और कठिन है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी पूरी। अब होगा पलट दंड, कैसे, ऐसे दंड लगा के और फिर ऐसे पलटी मारनी है, फिर वापस आना है, ऐसे ही ऐसे, ये और लगाओ शक्ति शक्ति, ये ये, बस 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 बेटा बस, समझ में आई बच्चों? पलटी लगी, किसी किसी की तो पूरी गाड़ी पलटी खा गई, ऐसे पलटी लगाई तो ऐसे हो। पलटी नहीं खाना,
पलट दान। फिर आखिरी और कठिन है, ये कठिन है थोड़ी, बच्चों का बैलेंस बहुत अच्छा है, पैर उठाएंगे पीछे से उछालेंगे, आगे सिर निकल जाएगा और ऐसे बैलेंस बनाएंगे, ऐसे बैलेंस बनाओ, करो ये, नीचे आ जाओ, करो यस ये, चलो प्रिया को करने दो, यस आप भी करो, शक्ति ओ क्या बात है, अरे बच्चे बड़े मजबूत है, चलो ये हो गया, रिलैक्स। इसमें ना थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए ना ऐसे थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है हाथों पर, शुरू में जमीन पर करते हैं, गिरते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, ऐसे ऐसे जब बैलेंस बनाएंगे ना तो थोड़ा शुरू में तो दिक्कत होगी ना, फिर धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनेगा, ऐसे और फिर ऐसे मजबूत हो जाएंगे पूरे, चलो 10 हो गए, अभी तो 2 बाकी है, कैसे ऐसे बैठो, आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चलो किया ना सबने, ये हो गया मिश्र दंड, लास्ट सर्प दंड हो गया ये, तो अब मिश्र दंड होगा, ठीक, चलो पैर ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, ए घुटने कोहनियों के बाहर की तरफ, ऐसे पैर पीछे, एड़ियां उठी हुई पंजों पर भार, ठीक, 1, 2, 3, अब फास्ट करेंगे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, बहुत ज्यादा नहीं करो, कितने हो गए, 12 के 12 हो गए, अब सभी खड़े हो जाएंगे, बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सुनो अभी तो 12 हुए, अब यहां से भी तो मजबूत बनाना, पहले किसी से मुकाबला होता था ऐसे करते थे ना, ताल ठोकते थे, अभी ताल तो बच्चे नहीं कुल्ले ठोकते रहते हैं, तो सुनो बच्चों अब आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते, ठीक, फिर प्राणायाम और ध्यान सिखाएंगे, आज आपको पूरा योगी बनाना है ना, तो चलो याद है 2 बार करना है खाली, फिर आप पैर भी मजबूत बन जाएंगे, कैसे, 1, 2, 1, 2, रिलैक्स, 2 हो गए ना, अब तीसरा जरा सामने, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे 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 को बॉडी को तान के रखो, खींच के तो ऊपर, धीरे फिर से धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर, नेक्स्ट पीछे थोड़ा, 1 कदम पीछे, फिर 1 छलांग लगाएंगे, 1 हाथ सामने, 2, 1, 2, ऐसे ऐसे, ये छलांग लगाए, वापस आ गए, चलो 5वां, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, जोरदार बन जाते हैं ना, ये मजबूत बन जाएंगे सर, जंघाएं सुंदर बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, नेक्स्ट पैर ऐसे खुलेंगे, लगा सामने, आप सबको दाहिनी तरफ बैठे हैं, राइट साइड में, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे, ये क्या बात, नेक्स्ट, होले होले, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, किस्ते निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के,
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से वीरों ने सींचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से वीरों ने सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, ये नोली करेगा। रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या नाम है? दिनाकरन। दिनाकरन ने नोली भी जोरदार कर दी। बैठ जाओ बच्चों, सारे बच्चे आ जाओ, ऊपर आ जाओ आप सब। आप बैठ जाओ। ये नोली भी कर ली सब बच्चों ने। चलो प्राणायाम कर रहे हैं ना, थोड़ी जगह लो। चलो सीधे बैठो, सब बच्चे बैठ जाएंगे। और ये भस्त्रिका प्राणायाम, चलो सब लंबा सांस लो। टम्बमों के जोर पे ऐसी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। देखो ये दुनिया बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, हमको गलत दिशा में जाना नहीं है, गलत काम करना नहीं है, किसी की हिंसा करनी नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है। योग करने से गलत काम करने की मन में इच्छा ही नहीं पैदा होगी। ये तो ये बस अब प्राणायाम चल रहा है ना, भस्त्री का प्राणायाम, ऐसे करो। ये तंबमों के जोर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के इस ढेर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के इस ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम बढ़ाना जरा, हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक से दो मिनट ऐसे करना, ये भस्त्री का, इसमें चेहरा नहीं बिगाड़ना, ऐसे नहीं करना, कंधे नहीं उछालना, मुंडी नहीं हिलाना, नहीं सुनो, आराम आराम से। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के ही डोलों में मगन हो के न झूलो। और भस्त्रिका के बाद कपाल भाती, ये बहुत जबरदस्त है। देखो सांस बाहर छोड़ो, सब रिदम के साथ करो। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के। आप भी गाइए।
तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।